आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ में प्रथम चरण के तहत हुए पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। बाबा केदार की पूजा अर्चना के बाद पीएम ने यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। चुनावी साल है, लिहाजा पीएम के केदारनाथ दौरे पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी की केदारनाथ गर्भगृह से आई लाइव तस्वीरों को लेकर घोर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने केदारनाथ धाम में बाबा केदार के बजाय हर हर मोदी के लगे नारों की भी निंदा की है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरादत्त जोशी ने कहा कि केदारनाथ धाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हर हर मोदी के नारे लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक अगर कोई भी व्यक्ति केदारनाथ गया, कोई भी भक्त केदारनाथ गया, तो वहाँ हर हर महादेव के नारे लगे, जय केदार के नारे लगे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस देवभूमि में जहाँ हर हर महादेव के नारे लगने चाहिए थे, जहाँ जय बाबा केदार के नारे लगने थे, वहाँ हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात मैं समझता हूँ इस उत्तराखंड के लिए और जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती, शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। केदारनाथ में मोदी रहे तो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने राज्य के विभिन्न शिवालयों में जाकर जल चढ़ाया। कांग्रेस का यह कार्यक्रम पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे के जवाब के तौर पर रहा। कांग्रेस का आरोप है कि डबल इंजन की सरकार में जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, लिहाजा केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार को भगवान शंकर सद्बुद्धि दें। कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे पर उठाए गए सवालों पर बीजेपी का भी जवाब सामने आया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि आज जब पूरा देश केदारनाथ के लाइव दर्शन कर रहा है तो कांग्रेस को राजनीति सूझ रही है, जबकि बीजेपी धार्मिक कार्यक्रमों को राजनीति से दूर रखती है। कांग्रेस लगातार हर अच्छी चीज पे विरोध करती है। जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं और मुझे लगता है कि बाबा केदार की गूंज पूरे देश के कोने कोने तक सुनाई देती है, पूरी दुनिया में सुनाई देती हो, जहां तमाम ज्योतिर्लिंगों को जोड़ के एक साथ हर जगह से लाइव किया जा रहा हो, जहां बाबा केदार के द्वार पर आने की लोगों से अपील माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा रही हो, जहां देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हो कि अगर चार धाम नहीं आए तो कुछ नहीं आए, यहाँ की गंगा का आचमन नहीं किया तो कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है, कांग्रेस उदास है, क्योंकि कांग्रेस जो विरोध कर रही है वो केवल राजनीतिक विरोध है, क्योंकि हम धार्मिक कामों में राजनीति नहीं करते और कांग्रेस केवल और केवल राजनीति करने के लिए धर्म के काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब 2 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा पीएम के दौरे पर राजनीति होना लाजमी है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में शुक्रवार के दिन केदारनाथ से लेकर हर शिवालय देवालय राजनीतिक आस्था में लिपटा हुआ दिखाई दिया। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेम भट्ट की रिपोर्ट।